अध्याय 9 का आज होगा, आज अध्याय 9 का होगा बाह्य सीमांतीकरण। कल हुआ था आंतरिक सीमांतीकरण, आज होगा बाह्य सीमांतीकरण, है ना। ये सेकेंड ईयर हो रहा है, इस सेकेंड ईयर का हो रहा है ना। कल आंतरिक सीमांतीकरण हुआ था हेडिंग, आज आज है बाह्य सामंतीकरण, है ना। एक्सटर्नल एक्सटर्नल मार्जिलाइजेशंस। जनजातीय समाज में सीमांतीकरण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इस प्रक्रिया के कारण जिसके कारण आरंभ में जनजातीय समूह लालच में आकर बाहरी समूहों को, ग्रुप को शिक्षा प्रणाली, संस्कृति, कल्चर, उद्योग विकास की स्थितियां से प्रभावित होकर सहभागिता प्रदर्शित करती है ना। वही शब्द में ये समूह ग्रुप उन्हीं स्थितियों का शिकार भी हो जाते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए ललायित होते हैं। और आंतरिक सीमांतीकरण की भ्रांति ही जनजातीय समूह, ट्राइबल ग्रुप, बाह्य सीमांतीकरण की कुछ संबंध से भी जूझ रहे हैं, जिसके लिए ऐसी अनेक बाहरी दशाएं, परिस्थितियां उठाई उठाई हैं, जैसे शिक्षा, संस्कृति, कल्चर, आर्थिक विकास, रोजगार की दशाएं और राजनीतिक जागरूकता आदि। जनजातीय समूह में बाह्य सीमांतीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाली दशाओं को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है हिंदू समाज की भ्रांति। जनजातीय समाज में जो उनकी परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी, जिसके माध्यम से बच्चों को समाज, संस्कृति व उनकी व्यावसायिक गतिविधियों की शिक्षा प्रदान की जाती थी, परंतु ईसाई मिशनरियों द्वारा वृहद स्तर पर जनजातीय क्षेत्रों में किया गया शिक्षा का प्रचार प्रसार व अन्य प्रलोभनों ने जनजातीय समूहों को ब्रिटिश आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाने पर मजबूत कर दिया है। और आरंभिक तौर पर जनजातीय समूहों द्वारा नहीं, शिक्षा प्रणाली को अपनाने में विशेष रुचि दिखाई गई है, परंतु महंगी शिक्षा प्रणाली के कारण यह कुछ ही समय में एक विशेष वर्ग तक सीमित हो गई, जिसके कारण ही आदिवासी समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा से दूर दूर हो गया। इस प्रकार से हम इस समाज में भी अन्य समाजों की तरह एक 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 अभिजात वर्ग का उदय हुआ। क्या हुआ? एक अभिजात वर्ग का उदय हुआ। यह अभिजात वर्ग न केवल शिक्षा से परिपूर्ण रहा, बल्कि आरक्षण एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं का भी एक अंग थी। इसके साथ ही इसने लाभ उठाने शुरू कर दिया। इसके विपरीत शिक्षा से वंचित जनजातीय समाज का एक बड़ा वर्ग सीमांतीकरण की चपेट में आ गया। एक बड़ा ग्रुप सीमांतीकरण की चपेट में आ गया और शिक्षा को समुचित बढ़ावा नहीं मिल सका। यही कारण है कि आज जनजातीय समूहों में, ग्रुप में सीमांतीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। आज जनजातीय समाज को बढ़ावा मिल रहा है, समाज के लोगों को, है ना। अगला पॉइंट है जनजातीय सीमांतीकरण का एक अन्य कारण जनजातियों की संस्कृति, कल्चर की कारण धारणा के रूप में सामने आया है। प्राचीन काल से ही भारत का जनजातीय समुदाय, कम्युनिटी, अपनी विशिष्ट संस्कृति, कल्चर के लिए जाना जाता है। उनकी उनकी लोक नृत्य, संगीत और लोक कथाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प आदि संस्कृति के प्रमुख तत्व हैं जो उनकी सांस्कृतिक विरासत की को संजोए हुए हैं। परंतु आर्थिक विकास की गति, प्रौद्योगिकरण के कारण इनके संस्कृति कल्चर निरंतर ह्रास होता जा रहा है। यहाँ तक कि उनके उनकी लोकनीत कलाएं, साहित्य, जुआगिरी और शिकार के तौर तरीके भी वन क्रियाकलाप धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अगला पॉइंट है यदि भारतीय संविधान में जनजातीय समुदाय भी दिए गए आरक्षण पर ध्यान दिया जाए तो उनकी स्थिति भी हिंदू समाज की भ्रांति है। उनकी भी स्थिति इस स्थिति क्या है, हिंदू समाज की तरह ही देखा जा रहा है। और आरक्षण का लाभ कुछ विशेष जाति समूह जैसे जाट, यादव जाटव आदि को प्राप्त हुआ है। लोग ठीक उसी प्रकार से जनजातीय समुदाय में कुछ विशेष जनजातियों जैसे मीना, सृष्टिया आदि को भी मिलता है, जबकि जनजाति समाज का एक बड़ा हिस्सा आरक्षण के साथ लाभशील आज भी वंचित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरक्षण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ एक वर्ग विशेष तक सीमित होने के कारण जनजातीय समुदाय में एक ऐसा सामाजिक आर्थिक विभेद उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण समाज का एक वर्ग वर्ग समूह निरंतर
समानता की ओर बढ़ता जा रहा है, वही दूसरी ओर समाज का एक बड़ा वर्ग दिनों दिन सीमांतीकरण की चपेट में आ जाता है। दिनों दिन ये सीमांतीकरण की चपेट में स्थिति आ रहा है और आगे बढ़ने में रोड़ा अटका रहा है। परिणाम स्वरूप जनजातीय समाज एक ऐसी पथ पर खड़ा हो गया है जो बेरोजगारी, निर्धनता, सांप्रदायिक, सामाजिक, पारिवारिक विघटन और अनैतिकता और अपराध की ओर खुलता है। तात्पर्य यह है कि अब यह समय आ गया है कि जनजातीय समुदाय में बढ़ती सामाजिक आर्थिक विषमता को नियंत्रित करने हेतु सभी वर्गों में शिक्षा, रोजगार उपलब्ध करा कर समानता की ओर स्थिति पैदा की जाए, अन्यथा की स्थिति में जनजातीय समाज में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चौथा, जनजातीय समाज में सीमांतीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में आर्थिक विकास की दशाओं का भी महत्वपूर्ण हाथ माना जा रहा है। समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण हाथ माना जा रहा है। और प्राचीन समय में जनजातीय प्रकृति की गोद वन, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहकर एक आत्मनिर्भर समूह के रूप में खुशहाल होकर जीवन यापन कर रही थी। लेकिन अभी जंगली, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया को दौरान सरकारी ठेकेदार, इंजीनियर, बड़े बड़े भूस्वामियों और उद्योगपतियों ने जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक दयनीय स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने तरह तरह की सुविधाएं दे रही है, लेकिन वो इन जनजातीय समाज तक नहीं पहुंच पा रही, जिस कारण समाज स्थिति नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या है, जनजातीय समाजों में राजनीतिक जागरूकता का प्रभाव अभाव भी सीमांतीकरण का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। और समानता से पूर्व जनजातियों द्वारा जन आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर भागीदारी की गई है। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनजातीय द्वारा किए गए प्रमुख जन आंदोलनों में संभान, संथाल विद्रोह, बरसा मुंडा आंदोलन आदि जन उल्लेखनीय है। परंतु यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जनजातीय समुदाय का सीमांतीकरण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शुरू हुआ, और भोले भाले आदिवासी यह समझ ही नहीं सके कि विकास के नाम पर हमारे साथ धोखा हो रहा है, उनकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया जा रहा है, उन्हें वन आदि में विस्थापित कर घुमंतू जीवन होने के लिए विचार किया जा रहा है। उद्योगपतियों, सनाइयों और साहूकारों द्वारा उनकी मजबूती का लाभ उठाकर उनका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण किया जा रहा है, उनकी महिलाओं को धन का लालच देकर वेश्यावृत्ति के लिए विस्वर्ष किया जा रहा है आदि ऐसी अनेक समस्याएं जो इनकी सीमांतीकरण की प्रक्रिया को झकझोर रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जनजातीय समाज को तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने जनजातियों समाज के लिए तरह तरह की शौचालय की व्यवस्था कर रही है, मकान की व्यवस्था कर रही है, पक्का घर बना रही है। पहले हमारे ये घनघोर जंगल की यानी इंटीरियर एरिया में रहते हैं, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत कोई जो दमदो बलशाली हैं वो लोग सुधर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज के, जनजातीय समाज के लोग अभी भी इनकी स्थिति ठीक नहीं है। और इनकी दयनीय शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति शिक्षा की कमी है। इनको सरकार चाह रही है कि एडुकेटेड करे, हर जगह स्कूल खोला जा रहा है, शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये कितना दिन तक ये साक्षर होंगे ये कहना बहुत ही कठिन कार्य हो रहा है। सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द ये लोग शिक्षित हो जाएं और समाज की ओर अग्रसर हो जाएं और अपने समाज के लोगों को शिक्षित करें और आगे बढ़ने के लिए कदम उठा रही है सरकार, लेकिन ये लोग उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, बिचौलिए बीच में ही खा जा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजातीय समाज बाह्य समाज से बहुत ही अपेक्षा की बात की जा रही है। बस आज इतना ही।